प्रणाम, हाय, खुशामद्दीन। मैं तो अदरब सबके बिन। वेलकम टू सत्या भाई रिव्यू चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भाई रिव्यू। मैं हूं आपका दोस्त सत्या। आज हम इस पिक्चर के रिव्यू करने वाले हैं। उस पिक्चर का नाम है सांड की आंख। जी हाँ दोस्तों, नाम सुनने में कुछ ऐसा है और वाकई पिक्चर कुछ कहने लायक है और बहुत कुछ हमें सिखाती है और सीख देती भी है। जी हाँ दोस्तों, ये पिक्चर दरअसल ऐसी कहानी है, दो बहनों की कहानी है जो है प्रकाशी तोमर और चंद्र तोमर, जो उत्तर प्रदेश में एक छोटे गांव से के रहने वाली है और उनकी कहानी पे निर्भर है ये पूरा पिक्चर। और इस पिक्चर में उनकी रोल कर रही है तापसी पानू और भूमि पादनेकर। जी हाँ दोस्तों, जो लीड रोल कर रहे हैं इस पिक्चर के लिए, इस पिक्चर में इन दोनों ने, और सपोर्टिंग एक्टर्स है प्रकाश झा और विनीत कुमार सिंह। जी हाँ दोस्तों, तापसी पानू और भूमि पादनेकर दोनों का किरदार काफी मायने रखता है, क्योंकि ये पिक्चर आपको, इस पिक्चर को पिक्चर की तरह देखना है, क्योंकि मैंने थिएटर में इस पिक्चर को मैंने अपने परिवार के साथ देखा और मेरे को इतना अच्छा लगा इस पिक्चर की एक उमर एम्पावरमेंट, एक महिलाओं की तरक्की के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जो गांव की महिलाएं, उन्हें तो बस आपको मालूम ही होगा सदियों से लेके आज तक, तो गांव की महिलाओं को इतना जल्दी कोई भाव नहीं देता, कोई नहीं इम्पोर्टेंस नहीं देता। दरअसल उनपे पूरा बोझ रहता है, परिवार का बोझ रहता है, और उनकी रोजी रोटी के लिए तो वो तो सिर्फ किसी खेतों में काम कर लेती है, छोटे मोटे काम करके अपने गुजारा निकाल लेती है। अगर पति मर गया होता है तो अपने बच्चों को बड़े मुश्किल से पालती है और बड़ी मुश्किल से पढ़ाती है। तो उसी तरह ये दो औरतें ऐसे हैं जो अपने पोतियों के लिए, हक के लिए, पोतों की जिंदगी के लिए, अपनी उनकी फ्यूचर के लिए वो लड़ती है। और इसी तरह अपनी पहचान, अपनी पैशन को पता चल जाता है कि उन्हें शूटिंग काफी अच्छे से कर लेती है और वो शूटिंग में काफी माहिर हो जाती है। और विनीत कुमार सिंह जो है, एक डॉक्टर होते हैं पेशे से, और एक शूटिंग कोर्स चालू कर देते हैं, शूटिंग क्लास चालू कर देते हैं और गांव में सब लोगों को शूटिंग सिखाते हैं। उसी तरह उनके पास चोरी छुपे घर में किसी को मालूम नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे प्रकाश जो है, तीन भाई होते हैं घर के और तीनों में सबसे बड़े भाई होते हैं और गांव के मुखिया होते हैं, गांव के सरपंच होते हैं, इसलिए उनकी ही चलती है घर में। और घर में किसी को पता है बगैर घर की औरतें इस तरह घर से बाहर जाके शूटिंग करती है और शूटिंग सीखती है और काफी मेडल जीतती है। जब ये विषय, ये बात जब घर में पता चलता है तो घर में बहुत बड़ा हंगामा मच जाता है। और इसी तरह ये दोनों औरतें अपने मर्दों के खिलाफ जाती है और अपनी पहचान बनाती है और अपने पोतियों की जिंदगी के लिए लड़ती है और वाकई अपनी एक पहचान बनाती है। सिर्फ इस पिक्चर से हमें काफी कुछ सीख मिलता है। एक गांव से, छोटे से गांव से बाहर एक बूढ़ी औरत 60 साल की उम्र में इतना कुछ कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपने भाई, अपने बहनों के लिए, अपने माँ बहनों के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? वो अपनी भी, उनके दिलो दिमाग में कुछ चाहत होगा कि हमें भी कुछ करना है, कुछ जीना है, अपनी एक सपना होगा उनका, अपना सपना पूरा करना चाहते होंगे। तो उसी तरह हमें भी घर की औरतों को दबा के नहीं रखना है और उन लोगों को आगे बढ़ने देना है, क्योंकि सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। जी हाँ दोस्तों, ये पिक्चर मेरे को काफी अच्छा लगा और ये पिक्चर नाम से ही नहीं बल्कि पिक्चर की स्टोरी और डायलॉग्स, जो जो जगह से इस्तेमाल किया गया है, कुछ जैसे प्रेजेंट किया गया है, वाकई हमें सोचने में मजबूर कर देता है कि काश हमारी दादी है तो उनकी भी कुछ ऐसे कुछ खासियत होगी, जो उन्होंने काफी पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी पैशन को दिलो दिमाग में छुपा के जी के और मर गई है। तो हमें इस पिक्चर से सीख मिलता है कि हमारे घर की महिलाओं को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, और उन्हें अपने हिसाब से उन्हें अपनी जिंदगी जीने देना चाहिए। बाकी आपके, मुझे ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको ये कैसा लगा, जरूर मैं जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, रिस्पेक्टेड एल्डर्स। जय हिंद, वंदे मातरम।